अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सवाल नंबर एक, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? आपके ऑप्शन है ए हज़रत अली ने, बी हज़रत उस्मान ने, सी हज़रत बिलाल ने, डी हज़रत अनस ने। जवाब है ए, बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। सवाल नंबर दो, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? आपके ऑप्शन है ए रोज़े का, बी नमाज का, सी दौलत का, डी हज का। सही जवाब है बी, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। सवाल नंबर तीन, जन्नत में बाज़ार किस दिन लगेगा? आपके ऑप्शन है ए इतवार के दिन, बी पीर के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी जुमे के दिन। सही जवाब है डी, जुमे के दिन बाज़ार लगेगा। सवाल नंबर चार, इनमें से किस इस्लामी महीने का नाम कुरान शरीफ में आया है? आपके ऑप्शन है ए रबीउल अव्वल का, बी मुहर्रम का, सी रमज़ान का, डी शाबान का। सही जवाब है सी, माह रमज़ान का नाम कुरान शरीफ में आया है। सवाल नंबर पाँच, कौन सी तकलीफ़ आना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है? आपके ऑप्शन है ए सरदर्द, बी बुखार होना, सी बाल गिरना, डी कमर दर्द। जवाब है हर वह तकलीफ़ जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे और गुनाहों से दूर कर दे और दिल को नरम कर दे, वह तकलीफ़ आना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। सवाल नंबर छः, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मस्जिद नबवी की कितनी बार तामीर कराई? आपके ऑप्शन है दो मरतबा, बी तीन मरतबा, सी चार मरतबा, डी सात मरतबा। सही जवाब है ए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मस्जिद नबवी की दो मरतबा तामीर कराई। तो यह मालूमाती तोहफ़ा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।